नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। ग्रेटर नोएडा थाना बादलपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। थाना बादलपुर पुलिस ने शराब से भरा ट्रक पकड़ा। थाना बादलपुर पुलिस व आबकारी निरीक्षक टीम के संयुक्त प्रयास से एक शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक ट्रक में 600 पेटी अवैध विदेशी शराब बिना लेवल, कीमत करीब 32 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस व आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 7 की संयुक्त टीम द्वारा ग्रेटर नोएडा NH91 पर चेकिंग के दौरान एक शराब तस्कर अभियुक्त गुरप्रीत सिंह बाड़ा थाना अम्बाला सदर जिला अम्बाला पंजाब को मैं एक ट्रक के साथ बरामद किया गया, जिसमें 600 पेटी अवैध विदेशी शराब बिना लेवल की बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 32 लाख रुपए है। ट्रक ड्राइवर के पास दवाइयों की एक बिल्टी मिली, जिसमें काशीपुर से पानीपत जाने का जिक्र था। संदिग्ध ट्रक की जब तलाशी ली गई तो उसमें 600 पेटी अवैध विदेशी शराब बिना किसी लेबल या ब्रांड के बरामद किया गया। ट्रक ड्राइवर द्वारा नकली नंबर प्लेट का प्रयोग कर अवैध तस्करी का यह कार्य किया जा रहा था। बरामद शराब की कुल मात्रा 5400 लीटर है। आप देख रहे हैं NMT न्यूज़ और आपको रखे सबसे आगे।